अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम जुग्राफिया मज़मून पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हमने जुग्राफिया का तीसरा सबक जिसका उन्वान है ग्लोब, नक्शे का मवाजना और इलाकाई सैर, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल की है, इस सबक को अच्छी तरह समझा है। बच्चों, आज हम इसकी मश्क करने जा रहे हैं। यहाँ पेज नंबर 18 पर मश्क। बच्चों, पहला सवाल है, दो पहलवी और तीन पहलवी चीज़ों की खसूसियात क्या है? इसका जवाब आपको किताब में ही मिल जाएगा। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे दो पहलवी, चौड़ाई और लंबाई, ये दो पहलू रखने वाला मस्तह चीज़, मसलन कागज़, तख्ता, मेज़, ज़मीन वगैरह। तीन पहलवी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रखने वाली मस्तह चीज़, मसलन डस्टर, डब्बा, ग्लास, लोटा, टेकरी, चांद वगैरह। मतलब बच्चों, दो पहलवी चीज़ों की क्या खसूसियात हो गई कि ये लंबाई और चौड़ाई दोनों रखते हैं, और तीन पहलवी चीज़ों की खसूसियात ये हो गई कि ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रखते हैं। तो हमारे पहले सवाल का जवाब ये हो गया। अब दूसरे सवाल पे आते हैं बच्चों, बिल्कुल छोटे ग्लोब पर कौन कौन सी चीज़ें बताई जा सकती हैं? बच्चों, यहाँ पर किताब में एक स्टेटमेंट है, ग्लोब चाहे जितना छोटा हो या बड़ा रहे, ये कुर्रे ज़मीन का नक्शे सानी है। मतलब बच्चों, ग्लोब कितना भी छोटा रहे या कितना भी बड़ा रहे, ये ज़मीन का नक्शे सानी, मतलब ज़मीन की दूसरी शक्ल है। इसीलिए हम जो जो चीज़ें बड़े ग्लोब पर बता सकते हैं, वो चीज़ें भी छोटे ग्लोब पर बता सकते हैं। इसीलिए हमारे दूसरे सवाल का जवाब हमने देख लिया। अब हम तीसरे सवाल पर आते हैं, ज़मीन पर रोनुमा होने वाले दिन और रात के तसव्वुर को किस वसीले से समझना आसान होगा? बच्चों, यहाँ पर किताब में देखिए, ये देखिए बच्चों, ये ग्लोब है। इस पर हम अगर यहाँ पर एक रोशनी का एक सोर्स रखें, ये समझ लो सूरज है, तो यहाँ पर सूरज की शुआएँ यहाँ पड़ रही है, ये आधे हिस्से पर, ज़मीन के आधे हिस्से पर सूरज की शुआएँ पड़ रही है, तो यहाँ दिन होगा और आधे हिस्से में रात होगी। तो इस तरह हम ग्लोब की मदद से, यहाँ देखिए बच्चों, ग्लोब ज़मीन पर रोनुमा होने वाले दिन और रात के तसव्वुर को किस वसीले से समझना आसान होगा? तो ग्लोब, क्योंकि ग्लोब पर हम रोशनी डालकर भी बच्चों को अच्छी तरह समझा सकते हैं। बच्चों, चौथा सवाल है, आपके गांव या शहर की निशानदेही करने के लिए कौन से वसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है? बच्चों, हम ग्लोब पर भी अपने मकाम, अपने जहां हम रहते हैं, अपने गांव या शहर की निशानदेही कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम नक्शे में भी अपने मकाम की निशानदेही कर सकते हैं। तो यहां पे हमारा जवाब हो जाएगा नक्शा और ग्लोब। आपके गाँव या शहर की निशानदेही करने के लिए नक्शा और ग्लोब दोनों वसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों, हमारा आखिरी सवाल है, एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिल किए जाने वाले वसाइल कौन से हैं? बच्चों, इस सवाल का जवाब भी यही दो होगा, नक्शा और ग्लोब। क्योंकि बच्चों, नक्शा और ग्लोब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए बहुत आसानी से मुंतकिल हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ हमारा मश्क, ये सबक की मश्क यहाँ ख़त्म होती है। अगले सबक में, अगले लेक्चर में हम चौथा सबक पढ़ेंगे। आपको ये मश्क अच्छी तरह समझनी है और अपने बुक में लिखकर मुझे बताना है। शुक्रिया।